नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनविंदर और मेरे चैनल एमबी स्पीक्स पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आपको अभी तक ये पता चल चुका होगा कि महाराष्ट्र के आईपीएस और मुंबई के पूर्व कमिश्नर परमबीर सिंह सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुके हैं, लेकिन उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपनी याचिका में क्या क्या पॉइंट उठाए हैं, क्या क्या चीज़ों की उन्होंने मांग की है, किन किन चीज़ों पर वो इंसाफ चाहते हैं, ये मैं आपको बताती हूँ। देखिए, अगर उनकी याचिका को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होती है और उस पर कोई आदेश आता है, तो इतना मान लीजिए कि जो जेलेटिन की छड़ें इंटेलिया हाउस के बाहर स्कॉर्पियो में मिली हैं, वो केवल छड़ें नहीं रहेंगी, वो एक बड़ा ब्लास्ट हो जाएगा। जो मामला इस समय अभी इतना दिखाई दे रहा है, वो उसके बाद हो सकता है इतना बड़ा हो जाए। उनकी जो सबसे बड़ी मांग है याचिका में, वो उनका ये कहना है कि गृह मंत्री के सीसीटीवी फुटेज, सारे फुटेज सीज किए जाए, ताकि ये पता चल सके कि उनको कब कब कौन कौन मिलने आया। दूसरी उनकी बड़ी मांग है गृह मंत्री के बारे में ही, कि उनके कॉल डिटेल जो है वो खंगाले जाएं, कि उनसे कब कब किसने कितनी कितनी देर बात की। तो ये जो दो मांगे हैं, इसमें अगर इन पे जांच हो जाती है जैसा कि वो चाह रहे हैं कि इस मामले पे सीबीआई की जांच हो, अगर जांच हो जाती है तो सीसीटीवी फुटेज में ये पता चल जाएगा कि सचिन वाजे जैसा छोटा अधिकारी उनको कितनी बार मिलने गया। एक छोटा अधिकारी पुलिस में सीधे अगर गृह मंत्री के पास मिलने जाता है, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। और इसी तरीके से उसकी कॉल डिटेल में अगर ये बात साबित हो जाती है कि सचिन वाजे कितनी बार दिन में उनसे बात करते थे, तो भी बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि एक अदना सा पुलिस का कर्मचारी सीधे गृह मंत्री से बात करता है, इसके बहुत सारे मतलब हैं। परमवीर सिंह ने महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख पर अपने आरोपों की सीबीआई की मांग की है, और साथ ही उन्होंने मुंबई पुलिस कमिश्नर पद से खुद को ट्रांसफर किए जाने की जो अधिसूचना है, उसको भी उन्होंने उस पर रोक लगाने की बात की है। दरअसल उसमें उन्होंने एक सुप्रीम कोर्ट के ही आदेश का हवाला दिया है, जिसमें ये कहा गया है कि किसी भी कमिश्नर और डीजी रैंक के पुलिस अधिकारी को 2 साल से पहले ट्रांसफर नहीं किया जा सकता, तो उनका अभी 2 साल का कार्यकाल पूरा नहीं हुआ था। तो ये भी सुप्रीम कोर्ट के सामने सोचने की बात हो जाएगी कि उन्हीं के फैसले को कैसे महाराष्ट्र सरकार ने पलट दिया। हालांकि आज उन्होंने अपनी ज्वाइनिंग कर ली है एज ए डीजी होमगार्ड में। वहीं उनके याचिका में एक और सॉलिड प्रश्न उठाया गया है कि ये जो उनका ट्रांसफर है, ये बिल्कुल संविधान को दरकिनार करके किया गया है। परमवीर सिंह ने महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी और सीएम उद्धव ठाकरे को एक चिट्ठी लिख करके अनिल देशमुख पर गंभीर आरोप लगाए हैं, ये बात सबको पता चल चुकी है। उन्होंने ये दावा किया था कि सचिन वाजे पर अनिल देशमुख की ओर से दबाव था कि उन्हें 100 करोड़ रुपए हर महीने चाहिए, और चिट्ठी में ये भी दावा किया गया कि 100 करोड़ रुपए का टारगेट सचिन वाजे को दिया गया था। इस टारगेट को पूरा करने के लिए मुंबई के बार, पब और रेस्टोरेंट से वसूली करने के लिए कहा था। और परमवीर की चिट्ठी ये भी कहती है कि 40 करोड़ रुपए तक तो पूरे किए जा सकते हैं, लेकिन 100 करोड़ ये बहुत ज्यादा है। परमवीर सिंह ने दावा किया कि 100 करोड़ का टारगेट पूरा करने के लिए अनिल देशमुख ने सचिन वाजे को दूसरे तरीके इजाद करने को कहा था, उन्हें उनको कई गैर कानूनी काम करने के लिए प्रेशराइज किया। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर महाराष्ट्र के गृह मंत्री के कॉल डिटेल्स जांचे जाते हैं या फिर
उनके सीसीटीवी फुटेज जब्त किए जाते हैं, सीज किए जाते हैं, उनको खंगाला जाता है, तो उसमें बहुत बहुत सारी चीज़ें जग जाहिर हो जाएंगी। और यही सब चीज़ें उन्होंने अपनी याचिका में अंडरलाइन करते हुए उठाई हैं। अब देखना यह है कि सुप्रीम कोर्ट में उनकी याचिका पे कब सुनवाई होती है, कब वो सुनवाई पे आती है, और उसके बाद उस पर क्या एक्शन होता है। तो दोस्तों, अगली खबर मैं फिर बताऊंगी किसी और अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।